तो हेलो साथियों, नमस्कार। तो दोस्तों, हम लोग हाजिर हैं एक बार फिर से ये खान सर की, ये केजीएस आईएएस की, ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त ये प्रैक्टिस सेट लेकर, जो आपके आने वाले एग्जाम आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस दोनों के लिए साथियों ये रामबाण साबित होने वाला है। आज की जो हमारी ये प्रैक्टिस सेट है, शुद्ध रूप से ये करेंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल से संबंधित सवाल है। एक तो इसमें आपको वे सवाल मिलेंगे जो शुद्ध रूप से करंट अफेयर से संबंधित है, करंट अफेयर्स के मोस्ट अपडेटेड सवाल। और दूसरी बात, यहाँ जो यूपी स्पेशल से संबंधित सवाल है मेरे भाई, ये ऐसे ही यूपी स्पेशल से नहीं रखा गया है, इसका भी कनेक्शन आपको करंट अफेयर से है। यानी जो चीजें करंट में थी वो है, और उसी करंट से रिलेटेड आपको यूपी स्पेशल से संबंधित सवाल है। तो एक से बढ़कर एक करंट अफेयर्स के सवाल मिलेंगे, एक से बढ़कर एक यूपी स्पेशल के सवाल मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा कंसेप्ट मिलेगा। यही चीजें आपको एग्जाम हॉल में मजबूती प्रदान करेंगी, यही चीजें आपका कंसेप्ट बढ़ाएंगी। कहा जाता है ना कि जब आपकी नीयत सही होती है तो आपकी किस्मत अपने आप अच्छी हो जाती है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, क्योंकि आजकल जो है बच्चे बहुत सारी अच्छी चीजों को सहन नहीं कर पाते हैं, उनको पच नहीं पाती है, वो झेल नहीं पाते हैं अच्छी चीजों को। उनको हर वक्त मसालेदार चीजें चाहिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो ऐसा आ गया है मेरे भाई को, उनको जो है एकदम आदत उनकी बिगाड़ते जा रही है। उनको हर क्षण हर पल मसाला चाहिए होता है, तभी वो वीडियो पर टिक पाते हैं। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो है एक से बढ़कर एक जो सूचनाएं हैं, फैक्ट कंसेप्ट, उस पर आप ध्यान देंगे और आपको जो है बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे तथ्य मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये करंट अफेयर्स की अपनी बेहतरीन टेस्ट सीरीज का है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न में हम लोग चलते हैं साथियों। पहला प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ, तो देख लें। तो ये जो यहाँ जो पहला प्रश्न जो पूछे जा रही है साथियों, आपसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको कुछ जिला दिया गया है। यहाँ उत्तर प्रदेश से संबंधित पांच जिला का नाम दे दिया गया है और कह रहा है आप उस जिला को बताइए जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है। यहां नहीं पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिए, नहीं तो गलत कर देंगे। सवाल बहुत सरल है, थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें लगाना है आपको। तो पांच जिला है उत्तर प्रदेश के नाम, उस जिलों को पकड़ना है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ ललितपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में घुसा हुआ है। आप लोग मैप में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो यानी ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमें वो बताना है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। तो ललितपुर की भी लगती है, जालौन की भी लगती है, बांदा की भी लगती है, मिर्जापुर की भी लगती है। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, और कुल 11 जिले उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी से लेकर इधर मिर्जापुर, सोनभद्र तक। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये बिजनौर जो है, ये उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। और यही बिजनौर जिले में जब गंगा नदी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के यही बिजनौर जिले में गंगा नदी आती है। तो इसका मतलब ये तो उत्तराखंड हो गया, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, यानी उत्तर में हमारा तीन यानी बिजनौर नहीं रहना चाहिए। तो साथियों, हम लोग देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में साथियों हमें उत्तर प्रदेश से संबंधित पांच जिलों के नाम दे दिए हैं और कह रहे हैं कि आप उस जिलों को बताइए जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है उसे बताइए। तो नहीं पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ साथियों आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश का कुल 11 जिला जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर साथियों ललितपुर को कौन भूल सकता है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में घुसा हुआ है और मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा है। तो यहाँ पर साथियों मध्य प्रदेश, जालौन, बांदा, मिर्जापुर, ये सब के सब जो है उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं ये सब मध्य प्रदेश का सीमा साझा करते हैं। और जबकि यहाँ पर जो बिजनौर दे दिया है ये जो है उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। जब उत्तराखंड से गंगा नदी आती है तो सबसे पहले बिजनौर में इंटर करती है। आप लोग सुने होंगे ना
कि गंगा नदी बी में घुसती है और बी से निकल जाते हैं, यानी बिजनौर में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सबसे पहले आती हैं और बलिया में निकलकर बिहार में चली जाती हैं। तो बिजनौर यानी नहीं है, बाकी सबके साथ मध्य प्रदेश से सीमा लगती है। तो विकल्प नंबर आपका 3 हो जाएगा, केवल 3, यानी केवल 3 के साथ मध्य प्रदेश से नहीं लगता है, बाकी सबसे लगता है। आगे देखें हम लोग, ये देखें दूसरा वाले प्रश्न में हमारा क्या पूछ रहे हैं साथियों। यहाँ पर आपको कुछ उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम दे दिया गया है, कह रहा है कि इनको आप क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब साथियों सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पर देख रहे हैं लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, तो ये सबसे एक नंबर पे यही रहना चाहिए, सबसे पहले यही रहना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं केवल एक ही जगह ए जो है एक नंबर पे है, बाकी किसी में ए पहले नंबर पे नहीं है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर ए होगा। हम बिना पढ़े चीजों को पता लगा लिए एलिमिनेशन के माध्यम से कि हमारा उत्तर ए होगा, तो बहुत ही जबरदस्त हमें पता चल गया कि हाँ ये लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है और ये सोनभद्र ये दूसरे नंबर पे आएगा, हरदोई ये तीसरे नंबर पे आएगा और ये सबसे अंत में यहाँ सीतापुर है। तो यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा उत्तर, यही हमारा क्रम है। आगे चले हम लोग देखते हैं साथियों, बहुत ही बढ़िया, देखते हैं क्या गजब का सवाल है। उत्तर प्रदेश के विधान मंडल से संबंधित सवाल है साथियों, विधान मंडल आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में, तो जो है यहाँ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो जिस प्रकार संसद में साथियों राष्ट्र, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनता है, उसी प्रकार जहां पर विधान परिषद होती है तो वहां पर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, तो राज्यपाल ये सब मिलकर विधान मंडल बनाते हैं। तो साथियों यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो देखें विधान मंडल के संबंधित आपको 4 कथन दिए गए हैं, तो इन चारों कथनों को पढ़कर हमें बताना है कौन सा हमारा उत्तर सही है। तो आप जो लोग जब पहला पढ़ेंगे तो कह रहा है विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ था, जी बिल्कुल सही, ये तो सही बात है। दूसरा आप लोग जब पढ़ेंगे तो कह रहा है विधान परिषद में भारत में दूसरी सबसे अधिक सीटें हैं, तो साथियों उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश साथियों कुल आप लोग को पहले ये समझना पड़ेगा कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कर्नाटक में ये 6 राज्य ऐसे जहां पर विधानसभा है। तो साथियों सबसे अधिक विधानसभा यानी 100 सीटों वाला उत्तर प्रदेश में है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि दूसरा सबसे अधिक सीटें, नहीं साथियों पहला सबसे अधिक होना चाहिए, तो इसका मतलब ये दूसरा गलत हो गया, दूसरा नहीं होना चाहिए हमारे विकल्प में क्योंकि हमसे सही पूछा है। तो जहां जहां दूसरा है काट दीजिए आप लोग, जहां जहां 2 बैठा है उसको काट दीजिए, जो बचेगा वही आपका उत्तर होगा, यानी डी हो जाएगा आपका उत्तर, 1, 3, 4 हमारा सही है। अब हमें ये दोनों आता हो चाहे नहीं आता, हमें उत्तर मिल गया क्योंकि इस चीज से हम क्लियर हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज और जान लें कि प्रयागराज जिले में सबसे अधिक विधानसभा है, हाँ 12 विधानसभा सीटें हैं, सही बात। मतदाताओं की दृष्टि से गाजियाबाद सबसे बड़ी संसदीय है क्षेत्र है, यस। तो सभी बातें सही है, केवल दूसरा गलत था, उसी के आधार पर हमने उत्तर निकाल लिया कि डी होगा हमारा। आगे अगर हम लोग देखें तो चौथे वाले में साथियों क्या गजब का कंसेप्ट दिया है, हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना है, एक तरफ हमें उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान दिया है और दूसरी तरफ उसका नाम दिया है, तो क्या उत्तर प्रदेश में पहली बार कौन थे, कैसे थे, ये बताना है। तो साथियों इन्हें कौन भूल सकता है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री ये कौन है, महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी, इनको कौन भूल सकता है। तो इसका मतलब ये डी वाले से हम कन्फर्म है, इसका मतलब डी 4 पे होना चाहिए, तो यही दोनों में से कोई हमारा उत्तर होगा, या तो हमारा उत्तर बी होगा या तो सी होगा, ये नहीं हो सकता, हम एलिमिनेशन से इसको हटा दे नहीं तो कंफ्यूजन करेगा हमें। अब दूसरी बात हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे साथियों, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, पीडी टंडन, तो ये हैं। इसका मतलब हमारा बी वाला 2 पर होना चाहिए, बी वाला 2 पर कहाँ है, ये बी में है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये सी हमारा उत्तर नहीं होगा, हमारा उत्तर बी होगा क्योंकि
ये है, हमने इसे क्लियर हो गया। तो ये एक बात हमें अब क्लियर हो गई कि हाँ पहले जो है डिप्टी सीएम जो है चौधरी नारायण सिंह, विधानसभा अध्यक्ष पहले पुरुषोत्तम दास टंडन, विधान परिषद के अध्यक्ष चंद्रभाड़ और महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। तो इस सबसे हमने क्लियर हो गया। तो फिलहाल फिर से एक बार मैं क्लियर कर दूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारा उत्तर यहाँ पर जो होना चाहिए वो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ए वाला एक पर, बी वाला सब सीधे सीधे मिले हुए हैं, तो याद रखेंगे इसको आप लोग। आगे चले हम लोग पांचवा का। तो पांचवें वाले में साथियों हमसे जो पूछा जा रहा है सवाल कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, दो, उन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो पहला साथियों ये दिया है कि बनारसी दास विधानसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री बने थे साथियों 60-70 के दशक में। ये बनारसी दास लगभग 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे, और यह साथियों बनारसी दास इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, तो इससे विधानसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री पद बने थे ये। ये बात सही है। और दूसरी कथन कौन भूल सकता है, हम आप छोटे छोटे जो पढ़े होंगे, जो शुरुआती अवस्था में पढ़ते हैं उनको भी मालूम है कि हाँ उत्तर प्रदेश में जो चौधरी चरण सिंह हैं वो और बीपी सिंह, उत्तर प्रदेश के दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, इनको कौन भूल सकता है, किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह और पिछड़ों को आरक्षण देने वाला प्रधानमंत्री बीपी सिंह, कौन इनको भूल सकता है। तो दोनों कथन सही है, हमारा सी हो जाएगा उत्तर, पांचवें का सी। आगे अगर हम लोग देखते हैं ये हमारा छठवां में साथियों, बहुत ही गजब का सवाल है हमारा, ये रक्षा से संबंधित सवाल है। तो साथियों भारतीय सेना और वायु सेना चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे हम इंग्लिश में लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, तो वास्तविक नियंत्रण रेखा तो ये क्या है, एलओसी जिसे कहते हैं हम लोग, तो एलओसी पर निगरानी बढ़ाने के लिए MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को संयुक्त रूप से कहां पर तैनात करने की योजना बना रही है। तो साथियों गोरखपुर और सहारनपुर में, सहारनपुर में एक एयरपोर्ट है सरसावा, आप लोग सहारनपुर जानते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है ये, हो जाएगा ये सरसावा में, और आपके यहाँ पर जो गोरखपुर है यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दो जगह पर यहाँ एलओसी पर निगरानी करने के लिए चाइना पर जो है यहाँ पर ये बनाया जा रहा है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर पे। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगला वाला देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर ये 7 में, तो 7 में जो हमें यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र भारत में अपना दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र किस स्थान पर स्थापित करने की योजना बना रही है। तो आगरा में ये हो जाएगा। तो आगरा में ये करने की योजना बना रही है, एक सेंटर बनाया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र आगरा। आगे अगर हम लोग देखें ये 8वां में हमें एक कल्चर से जोड़कर ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये कल्चर में देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा घुमाया है लेकिन हम लोग बड़े आसानी से देख लेंगे, एलिमिनेट करके देख लेंगे कि थोड़ा सा अगर नहीं पढ़े हैं तो भी हम लोग इसको समझ लेंगे कि हाँ इस चीजों को हमें कैसे कनेक्ट करनी है। तो देखें अगर हम लोग यहाँ पर जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन 8वें में, तो कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को हिंदू पवित्र स्थलों में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता अलग करते हैं, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर अन्य हिंदू पवित्र स्थलों से किस खासियत पर अलग है। तो आप लोग जानते हैं ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यही आपका उत्तर होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है, यही सबसे इसकी बड़ी खासियत है। और जबकि यहाँ देख रहे हैं भारत के सबसे पुराना मंदिर, तो ये काशी विश्वनाथ के साथ साथ और भी पुराने मंदिर हैं, तो इस आधार पर इसे अलग नहीं किया जा सकता, ये गलत हो गया। सबसे बड़ा मंदिर परिसर, तो साथियों बहुत से ऐसे मंदिर है जिनका परिसर बहुत बड़ा है, तो ये भी खासियत इसके लिए फिट नहीं बैठ रही है। और गंगा पर भी शिव मंदिर और सारे मंदिर हैं, सिर्फ यही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ सी वाला हमारा फिट बैठ रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है अंध हिंदू पवित्र स्थलों से। आगे देखें अगर हम लोग 9वें में, तो 9वें में साथियों जो हमसे यहाँ पर पूछी जा रही है, विकलांग बच्चों की माताओं को, जैसे कोई विकलांग बच्चा है उसकी माताओं को देखभाल के लिए छुट्टी पर उच्चतम न्यायालय ने अभी एक निर्णय दिया था, वो निर्णय किस किस संवैधानिक पद पर जोर देता है। तो साथियों वही समानता का अधिकार जो है देता है, कि समानता का अधिकार जो है
तो विकल्प ये आपका जो है जो ये हो जाएगा आपका ये विकल्प नंबर ए यही होगा। समानता का अधिकार आप लोग जानते हैं हमारे भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये समानता का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर जो देखभाल से संबंधित माताओं का होगा तो यही होगा, यहाँ पर शिक्षा का अधिकार तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, धर्म का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो ए वाला ही आपका फिट बैठ रहा है। यहाँ आगे अगर हम लोग देखें 10वें में, तो 10वां में साथियों एक गजब की सवाल है। अभी हमारी न्याय प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव किया गया था, जो विभिन्न क्रिमिनल से संबंधित जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसमें भी बहुत सारे कानून में सुधार हुआ था। तो जैसे मैं उस पर बता दूं, अभी ये जो हमारी एक भारतीय दंड संहिता है, थोड़ा सा भी मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, तो भारतीय दंड संहिता का नाम बदल कर जो है, हम लोग जो है पहले बोलते थे आईपीसी, तो भारतीय दंड संहिता का नाम बदल के भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। तो यानी दंड के स्थान पर न्याय कर दिया गया, ये चीज आप लोग याद रखे रहिएगा। और जो दंड प्रक्रिया संहिता थी उसके स्थान पर ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने भारत की कानून व्यवस्था में किस कानून को प्रतिस्थापित किया है, किसको हटाकर ये जगह लिया है। तो साथियों अभी मैंने बताया दंड प्रक्रिया संहिता को हटाकर ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लाया गया है, तो ये नाम। और यहाँ पर तो मैंने बता ही दिया भारतीय दंड संहिता का स्थान पर न्याय संहिता लाया गया। अब आप लोग को थोड़ा सा समझाता हूँ, भारतीय ये जो भारतीय दंड संहिता है, भारतीय दंड संहिता का मतलब ये होता है साथियों, हमने कोई अपराध किया तो हमें क्या सजा मिलेगी, ये जो है भारतीय दंड संहिता से तय होगा। और उसकी सजा की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे कैसे हमें सजा मिलेगी, वह ये जो ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता से मिलता है। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस को याद रखे रहे। फिलहाल यहाँ पूछ रहा है यह जो है किसके स्थान पर आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो भारत दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर आया। आगे देखें हम लोग अगर 11 वाले में, स्वास्थ्य बीमा नीतियों के संदर्भ में, ये जो स्वास्थ्य बीमा नीतियां हैं साथियों, स्वास्थ्य बीमा नीति जैसे क्या होते हैं, स्वास्थ्य बीमा क्या होता है, जैसे हम लोग अपना बीमा करवा लेते हैं हेल्थ संबंधित, तो हमें हेल्थ संबंधित कोई भी इशू आता है तो उस समय हमारे जो है एक फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, तो यही है। तो इसमें अभी जो है एक भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण ने और विकास प्राधिकरण मिलकर जो है इसमें एक निर्णय लिया गया कि इसमें एज लिमिट को हटाया गया, एज लिमिट को बढ़ा दिया गया, जो पहले कहा जाता है नहीं ये सिर्फ इतने एज वाले इसमें आ सकते हैं, उसको खोलकर उसका दायरा बढ़ा दिया गया, तो आयु पात्रता का विस्तार किया गया है, इसमें एज को बढ़ाया गया है। आगे देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पर साथियों हमारा 12वां प्रश्न में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है 12वें में, तो कह रहे हैं कि 77वीं, यहाँ पर जो हमारा लिख रहे हैं 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था, तो 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का ये जो विषय बना गया है साथियों, थीम बनाया गया है, तो स्वास्थ्य के लिए सभी, सभी के लिए स्वास्थ्य, ये वाला हमारा यही यही विषय था, स्वास्थ्य के लिए सभी, सभी के लिए स्वास्थ्य, तो ये हमारी विषय थी 77वीं स्वास्थ्य सभा का विषय, यही था विकल्प नंबर हमारा ये बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं ये 13 वाले में, तो इस 13वें में हमसे जो पूछा जा रहा है कि फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो साथियों बहुत ही चर्चा में रहा, बहुत ही, कार्लोस अल्कराज ने जीता, विकल्प नंबर हमारा ये सी हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के हैं, ये नेवाक जोकोविच को हरा कर ये जीते हैं, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो होना चाहिए वो उत्तर सी है, कार्लोस अल्कराज। तो साथियों यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, मोस्ट अपडेटेड सवाल, कह रहे हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के संदर्भ में आपको दो कथन दिया गया है, उन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। तो देखें साथियों बहुत ही अच्छा सवाल, इन दोनों कथनों को पढ़िए और पढ़कर हमें उसी कथन को वही उत्तर देना है जो सत्य है। तो इसमें कह रहे हैं आइसलैंड, इस साल जो साथियों रिपोर्ट आई है वैश्विक शांति सूचकांक में, आइसलैंड सबसे टॉप पर है, तो आइसलैंड सबसे टॉप पर है, और एक बात और खासियत है 2008 से लेकर अब तक आइसलैंड सबसे टॉप पर बना हुआ है, यानी शांति की देश, शांतिपूर्ण देश के मामले में आइसलैंड 2008 से लेकर अब तक टॉप पर है।
तो ये वाला कथन हमारा सत्य है। और बात हम करते हैं दूसरे की, तो यनम इस सूचकांक में सबसे कम शांतिपूर्ण है, यानी सबसे अंत में है। तो यस बिल्कुल सही, दोनों के दोनों कथन है। 163 देशों की ये सूची थी, जिसमें आइसलैंड टॉप पर है, यनम जो है सबसे बॉटम पर है, और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया 163 देशों की सूची में 116वां स्थान भारत को प्राप्त है। तो यहाँ पर हमारा ये जो दिए हुए कथन है वैश्विक शांति सूचकांक के संदर्भ में, हमारे दोनों कथन सत्य हैं। आगे अगर हम लोग देखें ये 15 वाले में, तो इसमें हमें G7 से संबंधित सवाल दिया है। आप लोग जानते हैं G7 ग्रुप 7 इसका मतलब होता है। तो 2024 में जो G7 का शिखर सम्मेलन हुआ, ये इटली में हुआ था, जहां पर मोदी जी चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले जो है इटली ही गए थे, तो इसी में शामिल होने के लिए। तो इसमें जो है G7 शिखर सम्मेलन 2024 संदर्भ में कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। सही उत्तर क्या है इसमें, आप लोग जानते हैं इसमें सदस्य जो हैं 7 देशों के सदस्य हैं ये, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। साथ ही इसमें साथियों एक यूरोपीय संघ है G7 में शामिल है। तो ये बात तो हमारी सत्य है, ये सही है। दूसरा वाले में जो कह रहे हैं इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय, इस वर्ष का जो शिखर सम्मेलन का विषय होता है वो नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रणाली निर्धारित किया गया है। यानी क्या है नियम, यहाँ पर फिर से हम लोग देख ले, नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में, तो सी हो जाएगा हमारा। आगे अगर हम लोग देखें 16वां में, क्या गजब का सवाल है, फैक्चुअल सवाल है ये। अब आपके यहाँ जो कंसेप्चुअल सवाल नहीं है, आगे जो भी सवाल आएंगे अब यहाँ फैक्चुअल आएंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि 2024 के लिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, 2024 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत की रैंकिंग इसमें कितना है। तो आप लोग जानते हैं साथियों 180 देशों की ये सूची है, 180 देशों में भारत 176वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी बहुत ही खराब स्थिति में है। सिर्फ 4 देश भारत से अच्छे स्थिति में है, बस आप समझ सकते हैं कितना खराब है। तो विकल्प नंबर बी 176वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यानी पर्यावरण के मामले में कितना भारत ने प्रोग्रेस किया है या कितना कर रहा है, तो काफी खराब स्थिति है, सुभेद है, वल्नरेबल है। आगे देखें हम लोग अगर 17 में, कह रहे हैं कि चीन के सहयोग से लॉन्च किया गया पाकिस्तान का दूसरा उपग्रह का क्या नाम है। साथियों अभी भारत ने अपने यहाँ जो नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए एक उपग्रह को या सैटेलाइट को लॉन्च किया है चाइना के सहयोग से, जिसका नाम है पॉक्सैट MM1। तो विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा, पॉक्सैट MM1 जो है यही है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारे 17 का। तो अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें अपना अगला 18वें में, तो क्या कह रहे हैं, किस पंछी के लिए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, किस पंछी के लिए उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने का प्रस्थापित करने जा रहा है। तो साथियों प्रश्न कहने घुमाने का तरीका अलग है, इसका कहने का मतलब ये है उत्तर प्रदेश का में, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला में जो लाल गर्दन वाले गिद्ध होते हैं, जिन्हें हम लोग किंग वल्चर कहते हैं, एशिया का राजा कहते हैं, एशियाई गिद्ध बोलते हैं, तो इन्हीं को बचाने के लिए, इन्हीं को संरक्षण के लिए, इनके प्रजनन के लिए, इनको बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने जा रही है यूपी सरकार। तो बी हो जाएगा हमारा उत्तर, एशियाई राजा गिद्ध, जिसे इंग्लिश में एशियन किंग वल्चर बोला जाता है। आगे देखें अगर हम लोग 19 में, 19 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो 19 में जो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में जैव प्लास्टिक उद्यान स्थापित करने जा रहा है। तो यूपी सरकार किस जिले में जैव प्लास्टिक यानी बायो प्लास्टिक उद्यान स्थापित करने की योजना बना रही है। तो साथियों यहाँ 4 नाम है, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, आगरा। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में यह बायो प्लास्टिक उद्यान जो है स्थापित करने जा रही है। तो इसका इंग्लिश वर्जन अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, कौन सा प्लांट स्टेबलाइज करने जा रही है, बायोप्लास्टिक पार्क, तो यही है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ लखीमपुर खीरी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 20वें वाले में,
तो यहां पर जो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, किस निशानेबाज ने अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ विश्व कप 2024 में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मनु भाकर। नहीं मेरे भाई, मनु भाकर तो महिला वाले जो प्रतिस्पर्धा हुआ था उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता था, तो ये नहीं होगा, ये सरबजोत सिंह होगा, विकल्प नंबर बी, यही जो है सरबजोत सिंह अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ में विश्व कप 2024 का जो हुआ उसमें पहला पदक जीतकर इतिहास रचे। आगे देखें अगर हम लोग 21 वाले में, तो इसमें करा है भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 2024 में पुरुषों की किस भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी उन्होंने, आपको लोग मालूम है, ये जो भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा है उन्होंने 2024 में एक अपना स्वर्ण पदक जीता है, तो किस भाला फेंक खिलाड़ी में? तो साथियों वो पावो नूर्मी गेम्स, विकल्प नंबर ये, इसी गेम्स में इन्होंने जीता है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा ये, पावो नूर्मी गेम्स 2024 में। ये अगर हम लोग 22वां वाले में देखते हैं, तो इसमें आपको जो सवाल दिख रहा है, भारत किस वर्ष 81वीं सॉरी 81वीं अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो साथियों अब तक भारत 2 बार कर चुका है, 58 में और 1958 1963 में, अब भारत तीसरी बार करने जा रहा है ये 2025 में, ये अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की आम बैठक की मेजबानी भारत करेगा 2025 में। आगे देखें दिल्ली में होगा ये बैठक। 23 में क्या है, हाल ही में किस देश ने, उस देश का नाम बताना है, किस देश ने यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो साथियों स्विट्जरलैंड ने किया है, जो आप लोग जानते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध वार चल रहा है, अशांति फैली हुई है, तो उसके समझौते के लिए, उसे शांति के लिए एक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है स्विट्जरलैंड ने। भारत इसमें साथियों तटस्थ रहा है, हालांकि भारत ने कहा हम शांति के पक्ष में है, लेकिन भारत अभी रूस से बहुत सारा चीजों को आयात करता है, तेल वगैरह, इसलिए भारत ने यहाँ पर अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं किया है कि हम किसके साथ हैं किसके नहीं, लेकिन उन्होंने एक जरूर इनडायरेक्ट में दिया है इंफॉर्मेशन कि हम शांति के पक्ष में हैं, लेकिन उन्होंने कोई लिखित ऐसा दस्तावेज नहीं दिया। 24 में देखें, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने शुरू किया है एक पहल शुरू किया है आरबीआई ने, वो पहल किससे संबंधित है? वो अपना जो है प्लेटफॉर्म, अपनी जो है प्रक्रियाओं को अच्छा करने के लिए, अपने कार्य संचालन को बेहतरीन बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, अपनी काम करने की कैपेसिटी दक्षता बढ़ाने के लिए उन्होंने किया है प्रवाह पोर्टल, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। तो प्रवाह पोर्टल किसने किया है? तो आरबीआई ने किया है यह, तो विकल्प नंबर आपका जो 24 का होगा वो सी हो जाएगा, प्रवाह पोर्टल। तो याद रखिए किसने किया है, आरबीआई, क्यों किया है, तो अपनी प्रक्रिया बढ़ाने के लिए, अपने काम में ट्रांसपेरेंट लाने के लिए और अपनी काम में दक्षता बढ़ाने के लिए। तो यहां पर हमें एक सवाल और देखा जा रहा है, ये रैंकिंग से संबंधित सवाल है ये, तो ये क्या कह रहे हैं, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो देखिए साथियों, पहला कथन आप लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें कह रहे हैं कि रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 तक, क्योंकि साथियों कोई भी रिपोर्ट आती है, जैसे 2024 में जो रिपोर्ट आई तो वो 2023 के बेस पर बनी होगी, क्योंकि 2023 का ही आंकड़ा पर वो बनाया गया है और 2024 में उसे किया गया, क्योंकि ऐसा नहीं 2024 आया तो इसी में रिसर्च कर लिए, उसकी रिसर्च जो होती है 1 साल पहले की होती है। तो भारत ने 2023 तक 146 देशों की सूची में अपनी रैंकिंग 127वीं से सुधार कर 125वीं कर लिया है। तो साथियों यहाँ पर जो दिया है वैश्विक लैंगिक सूचकांक का, तो ये बात यहाँ पर दोनों के दोनों गलत बात है, क्योंकि साथियों ये 129वां स्थान 2024 में भारत की जो वैश्विक लैंगिक अंतराल, ये क्वेश्चन हमने अभी अपने कम्युनिटी गाइडलाइन में पोस्ट भी किया था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि
146 देशों की सूची में भारत इस साल 129वें स्थान पर है, तो इसका मतलब ये वाला कथन गलत हो गया, आपसे गलत कह दिया। और इसमें कह रहा है कि नॉर्वे शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है, तो साथियों ये भी जो है कथन गलत हो गया, क्योंकि नॉर्वे नहीं आइसलैंड है, सबसे आइसलैंड सबसे पहले स्थान पर है, नॉर्वे नहीं, नॉर्वे तीसरे स्थान पर है, तो ये भी गलत हो गया आपका। तो इसका मतलब डी हो जाएगा, न तो एक सही है और ना ही दो, क्यों गलत है वो मैंने बता दिया, ये 27वीं की जगह 29वां होना चाहिए था और नॉर्वे की जगह आइसलैंड होना चाहिए था। तो 126 अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें साथियों हमसे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। तो सीधा सीधा आपके आंखों के सामने झलक रहा है, आप इसे एलिमिनेशन के माध्यम से भी एलिमिनेट करके भी लगा सकते हो विकल्प में, सीधा सीधा चार विकल्प दिए गए हैं, उसी में से एक को चुनना है जो जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं जारी किया जाता, इस नहीं पर जरूर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर दिया है साथियों, आप लोग जानते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, ये तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है, तो ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमें उसको बताना है जो नहीं जारी की जाती है, तो इसको आप एलिमिनेट करिए। विश्व जोखिम रिपोर्ट, ये भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, इसको भी एलिमिनेट करिए। नौकरियों की भविष्य रिपोर्ट, ये भी एलिमिनेट कर दिए क्योंकि ये भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर जो दिया है ये जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, WB यहाँ मैंने लिख दिया, वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, तो यही आपका उत्तर होगा, यही जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी नहीं किया जाता है बल्कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। अगर हम लोग ये 27 में अगर देखते हैं तो कुशीनगर में ऐसा कौन सा स्थल है जिसको वह स्थान माना जाता है जहां पर बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया और जहां से मौर्य काल की ईंटें मिली थी। तो आप लोग जानते हैं कुशीनगर में ही बुद्ध को जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था यानी उनकी मृत्यु हुई थी, और साथियों वहीं पर एक एग्जैक्ट का नाम दे दिया है, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन का नाम दिया है, वहां पर बताना है जहां पर उनकी मृत्यु हुई और यहां पर जो है बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ, मतलब अंतिम संस्कार की बात यहाँ किया है, अंतिम संस्कार हुआ और मौर्य काल की ईंटें भी प्राप्त हुई हैं एक साक्ष्य के रूप में, तो रामभर विकल्प नंबर सी हो जाएगा। तो ये कहाँ है, कुशीनगर में है, इसका इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें भी रामभर ही लिखा है, विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा, सी है रामभर। आगे अगर हम लोग देखते हैं ये 28 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि मूर्ति कला के किस क्षेत्र में, ये कल्चर से संबंधित सवाल जोड़ दिया है, तो देखो ये कल्चर से संबंधित सवाल लेकिन किस तरह से घुमा कर इसका कनेक्शन करंट से है, तो करंट की चीजों को आपको घुमा दिया है कल्चर से संबंधित। तो मूर्ति कला के किस क्षेत्र में बुद्ध को उनको जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है, एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है बुद्ध जी को, जिसमें वे अक्सर अपने पैरों के नीचे एक शेर की आकृति और उसके सिर के चारों ओर एक प्रभा मंडल, सिर के चारों ओर एक प्रभा मंडल होता है। प्रभा मंडल का मतलब ये होता है साथियों, देवी देवताओं के आप लोग फोटो देखते होंगे तो उनके सर के पीछे एक सूर्य जैसा चमकता हुआ प्रकाश का एक जैसे पिंड कोई दिखाई देता है सूर्य जैसी, तो वही होती है प्रभा मंडल। तो यह किस कला में यह बताया गया है कि मतलब किस मूर्ति कला क्षेत्र में बुद्ध को, बुद्ध की ऐसी मूर्ति बनाई जाती है प्रभा मंडल होता है और उनको जो है पैरों के नीचे शेर आकृति ये सब बताया जाता है, तो ये मथुरा कला में बुद्ध की इसी तरह की मूर्तियां बनाई गई है, तो विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा हमारा। आगे देखें हम लोग, मथुरा कला अपनी स्वदेशी कला है, बहुत पुरानी, मथुरा के आसपास क्षेत्रों में यह विकसित है। आगे देखें अगर हम लोग 29 में, तो यहां पर क्या लिख रहे हैं, गुप्त वास्तुकला का अद्भुत विशेषता, गुप्त वास्तुकला की अद्भुत विशेषताओं में एक दशावतार का मंदिर, आप लोग समझ गए होंगे दशावतार का मंदिर है, जिसे उत्तर भारत का पहला शिखर वाला मंदिर के रूप में जाना जाता है, तो यह किस स्थान पर है। तो साथियों आप लोग दशावतार मंदिर के नाम से समझ चुके होंगे, यही आपको इंडिकेट कर दिया कि हाँ यह उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है, जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, उसी ललितपुर जिले में एक देवगढ़ नामक स्थान है, वही देवगढ़ पर है, तो विकल्प नंबर सी कभी भी आपके सामने आए दशावतार मंदिर कहाँ है, ललितपुर में, ललितपुर के देवगढ़ में है।
और यह उत्तर भारत का पहला शिखर वाला मंदिर है। ये किससे संबंधित है? गुप्त कला से। आगे देखें हम लोग, यहाँ 30 वाले में हमसे जो पूछा जा रहा है साथियों, एक बहुत ही अच्छा सवाल है, कई सारे एग्जाम में यह अलग अलग तरह से फैक्ट के रूप में पूछता है। तो गाजीपुर में स्थित कौन सा गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ, गाजीपुर में स्थित गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ है, हूणों पर स्कंद मतलब हूणों पर स्कंद गुप्त की जो विजय हुई थी उसके बारे में शिला लेख है। तो साथियों भीतरी स्तंभ लेख, गाजीपुर में स्तंभ लेख है, ये भीतरी स्तंभ लेख। आगे अगर हम लोग देखें 31 वाले में, तो साथियों जब अकबर ने गुजरात को जीत कर आया था तो उसके खुशी में फतेहपुर सीकरी में एक जो है दरवाजा बनवाया था, गेट बुलंद दरवाजा के नाम से फेमस है। यही आपसे पूछ रहा है फतेहपुर सीकरी में कौन सा प्रतिष्ठित प्रवेश द्वार अकबर ने गुजरात में अपनी जीत की याद में बनवाया था, तो यही बुलंद दरवाजा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे देखें, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देख लेंगे तो यहाँ पर ही लिखा है बुलंद दरवाजा। आगे देखें हम लोग फतेहपुर सीकरी में, तो यहाँ पर जो 32 वाला सवाल है, तो यहाँ पर ये हमें ये मिलान से संबंधित है सॉरी, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा मिस मैच है, जो मिस मैच है उसे बताना है, यानी 3 सही है 1 सुमेलित नहीं है, तो उसी को बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है हमारा। तो साथियों यहाँ पर एक तरफ हमें स्टील कुछ उद्योग दे दिए गए, इंडस्ट्रीज हैं, और दूसरी तरफ उसका जो है लोकेशन है, स्थान है, तो कौन सी इंडस्ट्री कहाँ है, 3 सही है 1 गलत है, उसी गलत को पकड़ना है। तो भारत स्टील रोलिंग मिल, तो ये तो है साथियों मुजफ्फरनगर में भारत स्टील रोलिंग मिल, लेकिन हमें गलत को बताना है कौन सा गलत है, तो जहां गलत मिले वही हमें बताना है। और हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, ये तो नैनी में है प्रयागराज के, और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये कह रहे हैं कानपुर में, तो साथियों यही गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। और यूरिया उर्वरक कारखाना सबको पता है ये बरेली में है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विकल्प नंबर हमारा होना चाहिए जो सी होगा उत्तर, क्योंकि हमें सी ही कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी सुमेलित नहीं है, विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये कानपुर में नहीं है साथियों। तो इसे अब हमें बताना है ये कहाँ है, तो साथियों ये गाजियाबाद में है, यह गाजियाबाद में है, गाजीपुर न समझिएगा, गाजियाबाद। आगे अगर हम लोग देखें 33 वाले में, तो यहां पर साथियों हमें दे दिया है, एक सेकंड थोड़ा सेट करने, अब सही है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन देखने में सही है। तो यहां पर लिखा है प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में, प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में हमें 2 कथन दिए गए हैं हमारे सामने, और उन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर हमें बताना है कौन सा हमारा सही उत्तर है। तो ध्यान रहे सही उत्तर पूछा है, कभी कभी ऐसा कहता है कि गलत उत्तर को बताइए, तो गलत सही पर जरूर ध्यान दें। तो पहला वाला करा है उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, तो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी कहाँ पर है साथियों? ये जो प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, खास करके ये सब जो एरिया है नदी के किनारे, तो यही बेलन घाटी इसी क्षेत्र में आता है, प्रतापगढ़, प्रयागराज इन्हीं के क्षेत्र में, तो यही के क्षेत्र में सबसे पहले जो है ये मतलब मिला था यहाँ पर ये। तो उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले हैं, जी बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और दमदमा जो है मध्य पूरा पाषाण युग के प्रमुख स्थल हैं, जी दोनों के दोनों कथन सही हैं, तो यहाँ पर उत्तर आपका बी हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि साथियों उत्तर प्रदेश के मध्य पूरा पाषाण स्थल में जो है सराय नाहर और मदहा, चौपानी मांडो, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर हम लोग ये 34 वाले में अगर देखते हैं, तो 34 वाले में हमारे सामने यहाँ पर देखें तो एक तरफ हमें दिया है प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के गणराज्य कुछ दे दिए गए हैं, और वो वर्तमान उनका लोकेशन इस समय कहाँ पर है ये हमें बताना है। तो सीधा सीधा हमें बताकर ये जो हमारा सेट दिया गया है इसी में हम इसको बता देंगे कि हमारा कौन सा सेट इसमें एग्जैक्ट इसे फिट हो रहा है। तो देखें यहाँ पर एक चीज से हमें क्लियर लग गया होगा, कुशीनगर के मल्ल, तो ये कुशीनगर के क्षेत्र में आएगा, तो ये यहाँ पर चला आएगा, तो इससे आप लोग अब एक चीज एलिमिनेशन से आप निकाल सकते हो, सी वाला हमारा 3 पर आना चाहिए, तो सी वाला 3 पर आना चाहिए,
तो इसका मतलब सी वाला तीन पर देख रहे हो केवल यहाँ सी में बैठा है। तो इसका मतलब एक ही जानकारी से हमने उत्तर को निकाल लिया बड़े आसानी से, तो हमारा उत्तर यानी अब सी हो जाएगा। तो हमने एक ही जानकारी से सीधा का सीधा सब निकाल लिया। अब हम पता लग गया हमें कि हमारा कौन सा सब मैचिंग होगा। ए ए वाला एक पर जाएगा कपिल वस्तु के शाह के सिद्धार्थ नगर, रामग्राम के कोली जो है ये गोरखपुर, और ये पावा के मल्ल जो है ये फजील नगर में। तो सारे के सारे ये तीन हमारे सी हो जाएगा। ये तो एक्स्ट्रा जान मतलब आपको समझने के लिए बता दिया, हालांकि एलिमिनेशन के माध्यम से हमने बता दिया था पहले ही। तो इस तरह से आप भी लगाया करिए, जो सबसे ज्यादा आपको क्लियर हो उसको मिलाकर और फिर देख लिया करिए एलिमिनेट लगाकर, क्योंकि तो सभी को आप करने के चक्कर में पड़ोगे तो हो सकता है गलत कर जाओगे। तो यहाँ पर जो हमारा 35 में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा सवाल है फैक्चुअल यूपी स्पेशल में। एक दो सवाल विभिन्न एग्जाम अभी पुलिस वाले में भी किसी सेट में ऐसा सवाल पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले पुलिस कमिश्नरेट वाले जिले हैं? तो कुल साथियों उत्तर प्रदेश में कुल 7 जिले ऐसे हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरी है। तो 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी है, कौन कौन सा वो जिला है साथियों आप लोग जानते हैं? एक गाजियाबाद है, दो तो जी नाम से है, एक गाजियाबाद, एक गौतम बुद्ध नगर। और साथियों जो बड़े बड़े जिले हैं आप लोग जानते हैं, जैसे प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, ये कितने हो गए? 6 हो गए, और एक आगरा है। तो ये 7 जिले हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरेट है। पुलिस कमिश्नरेट के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो यही है। तो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, ये तीनों है, मथुरा नहीं है। तो 4 कह रहा है कौन सा ये है, तो प्रथम 3 जो है, तो 1, 2, 3 यही पुलिस कमिश्नरेट है, मथुरा नहीं है। आगे देखें तो आगे हमें जो पूछा जा रहा है यहाँ पर वो भी सवाल मैचिंग वाले हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ राजधानी है। तो हम लोग जानते हैं 3 ग्रंथ हैं, जैसे वो हमें जो बुद्ध ग्रंथ है, सुत्त पिटक वगैरह इन सबसे, और जो जैन ग्रंथ है, इन सबसे हमें जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद हैं। उन 16 महाजनपदों के नाम एक तरफ दिए गए हैं और एक तरफ राजधानी, तो उसको मिलाकर हमें कौन सा सेट बन रहा है उसमें बता देना है। तो हमें जो सबसे अच्छा क्लियर हो वही मिला दें हम। वत्स महान जो वत्स नाम का महाजनपद है, इसकी राजधानी कौशाम्बी है, तो ये हम मिला दिए। तो ये तो यानी सी वाला हमारा 2 पर आना चाहिए, तो सी वाला 2 पर आना चाहिए। तो ये सी वाला 2 पर कहाँ कहाँ है? एक तो यहाँ है, सी 2 पर बैठा हुआ है, एक तो डी के पास है। इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसको हमने काट दिया। अब देखते हैं साथियों सूरसेन, सूरसेन जो है इसकी राजधानी मथुरा थी, इसकी राजधानी मथुरा थी, यानी डी वाला 1 पर आएगा। तो डी वाला 1 पर दोनों जगह है, फंस गए हम। अब हमारा एलिमिनेशन काम नहीं कर रहा है, अब हमें कम से कम एक और जानकारी चाहिए तभी हम जो है इसको कर पाएंगे। पावा जो है साथियों यहाँ पर, ये जो पावा नहीं है, यहाँ मल्ल है। तो मल्ल है, मल्ल की ये कहाँ है साथियों, ये मल्ल की राजधानी कहाँ है? तो इसको हम लोग देखते हैं, ये मल्ल की राजधानी कुशीनारा में है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी ए वाला 4 पे आएगा। तो ए वाला 4 कहाँ है? डी में है। तो जी अब हमारा पता लग गया कि ए उत्तर नहीं बल्कि डी होगा। आगे चले, और बाकी एक जो हमारा बचा है उसका स्थान ही यही है। अब हम लोग देखते हैं 37 में, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जैन धर्म के रहे हैं? तो जो जैन धर्म से संबंधित है वही हमें बताना है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रमुख जैन धर्म के रहे हैं? तो देवगढ़, महोबा, काशी, मथुरा, ये सब जो है जैन धर्म से संबंधित हैं। तो विकल्प आपका डी हो जाएगा हमारा उत्तर। आगे अगर हम लोग देखते हैं 38 वाले में, तो 38 वाले में हमें क्या पूछ रहा है साथियों? उत्तर प्रदेश के जानते हैं अभी मथुरा, जैसे ये बुंदेलखंड वाला एरिया, बुंदेलखंड का एरिया है, जैसे इधर महोबा हो गया, झांसी हो गया, ये सब का जो एरिया है, यहाँ पर अभी मसाला उत्पादन में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसी के संबंधित ये उत्तर प्रदेश मसाला सम्मेलन एक्सपो 2024 के 4थे संस्करण का आयोजन किस संगठन ने उत्तर प्रदेश के बागवानी विभाग के सहयोग से किया? तो भारतीय यहाँ पर दे दिया है कृषि और ग्रामीण, यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि ग्रामीण विकास केंद्र, भारतीय मसाला बोर्ड,
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण, तो यहाँ पर साथियों जो होगा हमारा कृषि और ग्रामीण विकास ने किया है, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। आगे अगर हम लोग देखें ये 39 में, तो 39 में जो हमसे सवाल कर रहे हैं, मेक इन इंडिया के पहल के तहत, मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय सुरक्षा बलों के लिए नई स्वदेशी बैलिस्टिक प्रोटेक्शन ड्रेस का निर्माण कहाँ किया गया है। साथियों अभी आप लोग जानते हैं पहले के समय जो जो बुलेट प्रूफ जैकेट आती थी अपने आर्मी के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए, तो वो पहले इस गोली की स्पीड भी स्लो हुआ करती थी, उतनी हाइपर नहीं होती थी, तो उस तरह से जैकेट बनते थे। अब बहुत सी हाइपर वाले बंदूक बन गए, इतना तेजी से आता है कि पहले पुराने वाले जैकेट उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आधुनिक तरीके से एक 7 लेयर वाली एक जैकेट बनी है मेक इन इंडिया की तरह अपने स्वदेशी तकनीक आधार पर, जो कि बहुत वजन में भी कम है और 7 लेयर पर बनी है, जो बारूद गोली को बात छोड़िए बारूद को भी सहन कर लेगी। तो उसी का पूछ रहा है ये निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, तो इसका निर्माण कहाँ किया गया है, तो इसका निर्माण यहाँ पर साथियों 4 नाम आपको दिए गए हैं। तो 4 नाम में साथियों यहाँ जो रक्षा औद्योगिक गलियारा अलीगढ़ है, यहाँ से यही इसका निर्माण हुआ है, तो विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 40 में, तो सितंबर 2024, हाल ही की बात कर रहा है अभी, सितंबर 2024 में आयोजित प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, रक्षा से संबंधित सवाल है। तो कह रहे हैं कि यह दो कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो पहला कह रहा है कि यह सम्मेलन जो है, इसका सम्मेलन जो है भोपाल में किया गया है, तो साथियों सीधा सीधा गलत है, इसका सम्मेलन भोपाल में नहीं, ये लखनऊ में किया गया है, तो ये गलत हो गया। इस सम्मेलन का विषय साथियों जो है सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का परिवर्तन, यस इसका तो जो विषय दिया है ये सही है, लेकिन यह भोपाल में नहीं लखनऊ में हुआ था, तो दो सही है केवल, यानी उत्तर हमारा बी हो जाएगा, 40 का बी। आगे अगर हम लोग देखें 41 में, तो 41 वाले में जो हमसे सवाल कर रहे हैं ये क्या है, उत्तर प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा पहल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो गलत वाले को हमें पहचानना है। तो सीधा सीधा आपके सामने दिखाई दे रहा है 2022 में जो ऊर्जा नीति आई थी उसमें कहा गया था कि जो है हम लोग 2022 तक जो है 22,000 तो 22,000 मेगावाट जो है हरित ऊर्जा को बड़ा, मतलब लगभग इतना उत्पादन करेंगे, तो यहाँ 50,000 दे दिया है साथियों, यही नहीं था दो ऊर्जा नीति 2022 वाले में 22,000 मेगावाट की बिजली की जो है रिन्यूएबल एनर्जी की बात की गई थी, तो मेगावाट इतना, तो यहाँ नाम से ही लग रहा है 22 तक, 2022 में जो नीति आई थी तो उसमें 22,000 मेगावाट की बात किया गया था, न कि 50,000, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसका मतलब जहां 3-3 है उसे एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है, तो इसे एलिमिनेट करिए, इसे करिए, इसे करिए, तो इसका मतलब कह रहा है कौन सा गलत है, तो गलत केवल हमारा डी हो जाना चाहिए, 41 का कौन सा हमारा होगा, ये डी केवल गलत होगा, डी वाला, और बाकी ये दोनों सही है कि उत्तर प्रदेश भारत के शीर्ष 5 देश सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल है, यानी टॉप 5 में यूपी शामिल हो गया है, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर सौर शहरों के रूप में विकसित किया जा रहा है, जी दोनों बातें सही हैं, तो केवल गलत पूछा, तो गलत डी है। तो 42 में जो हमसे पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कृषि विकास और ग्रामीण उद्यमिता शुद्धिकरण कार्यक्रम शुरू किया है, तो कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन इस परियोजना पर सरकार के साथ सहयोग कर रहा है, तो साथियों कौन सा सरकार के साथ सहयोग कर रहा है, तो यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियाई विकास बैंक, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो साथियों यहाँ पर विश्व बैंक जो है इसमें हेल्प कर रहा है सरकार की कृषि विकास और ग्रामीण उद्यमिता शुद्धिकरण कार्यक्रम में, तो बी हो जाएगा हमारा, विश्व बैंक। तो 43 में जो हमसे पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार कौन सा ऊर्जा उत्पादन, उत्तर प्रदेश सरकार कौन सा क्षेत्र सौर यानी सोलर एनर्जी उत्पादन को बढ़ाने के लिए
ग्राउंड माउंटेड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो कौन साथियों, ये बुंदेलखंड, विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा। कुल 9000 एकड़ में जो है ये पावर, ये जो सोलर प्लांट लगाया जाएगा इसमें, और इसमें 9000 क्षेत्र में लगाकर लगभग इसमें हजारों जो है मतलब इसमें बिजली यूनिट उत्पादन करने का ये लक्ष्य रखा गया है। तो ये बुंदेलखंड हो जाएगा हमारा 43 में। आगे देखें अगर हम लोग, तो यहाँ 44 में जो लिखा गया है, उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के संदर्भ में हमें दो कथन दिए गए, तो इन दोनों कथनों को पढ़कर हम बताएं कि हाँ हमारा कौन सा उत्तर सही है, कौन सा कथन सही है। तो हम लोग जब ये पहला वाला पढ़ेंगे तो इसमें कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 23-24 में 8% की बढ़ोतरी ली थी। जी सही बात है, 8% की बढ़ोतरी ली थी। अभी जैसे उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि जैसे भारत सरकार कहती है हम भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अकेले बनाना है, लक्ष्य रखा गया है। यूपी सरकार कहती है 5 ट्रिलियन में हमारा 1 ट्रिलियन अकेले होगा। तो अभी 1 ट्रिलियन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को लगभग 30% की बढ़ोतरी चाहिए। अभी 8% है, सोचो अभी हम लक्ष्य से कितने दूर हैं। तो इसका मतलब फिलहाल सही है, लक्ष्य हमारा ऊंचा होना चाहिए। तो ये बात तो सही है, पहला वाला 8% ही बढ़ा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले उत्तर प्रदेश 14वां स्थान था, अब दूसरा आ गया है। जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये होता है कि बिजनेस करने में सबसे मतलब सरलता कहाँ पर है, सबसे अच्छा सुलभ, सबसे अच्छी सुविधा, तो ये सब होता है, यानी कितना आसान है बिजनेस करने में, तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, दूसरे नंबर पर है। तो सी हो जाएगा हमारा 44 का सी। तो यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, पिछले साल ही ये चर्चा में आया था कि जो काकोरी कांड हुआ था ट्रेन वाला हिस्ट्री में, उसको सरकार ने काकोरी कांड हटाकर काकोरी एक्शन कर दिया है। तो उसी संबंधित एक और इस साल ट्रेन चलाई गई, इसका 100वां स्थान जब हुआ था ये 25 में, तो उसके 100 साल पूरे होने पर वर्षगांठ के मनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे द्वारा आरंभ किया गया विशेष ट्रेन का नाम क्या है, एक ट्रेन का नाम है साथियों उसी नाम पर, काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस। ये इसके जो है 100वां वर्षगांठ जब मनाया जाएगा 2025 में, तो उसी के उपलक्ष्य में ये ट्रेन चलाई जाएगी। यूपी सरकार ने भारतीय रेलवे से ये करने के लिए किया है। तो विकल्प नंबर सी, काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस। आगे देखें हम लोग, तो यहाँ पर जो 46 में हमसे पूछा जा रहा है रक्षा से संबंधित सवाल, तो रक्षा परीक्षण और संरचना योजना के तहत रक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश में यांत्रिक और सामग्री परीक्षण सुविधा किस स्थान पर स्थापित करने जा रही है। तो किस स्थान पर स्थापित करने जा रही है साथियों, यहाँ पर जो हमारे नाम दिए गए हैं, जो 4 नाम है, वो 4 नाम कौन है, कानपुर, आगरा, लखनऊ, झांसी, तो लखनऊ में करने जा रही है। तो विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा। तो 47 में, तो 47 में साथियों जो हमसे पूछा जा रहा है धर्म के गैर कानूनी रूपांतरण से संबंधित सवाल है, तो ये धर्म के साथियों जैसे एक धर्म के लोग दूसरे धर्म में शादी करते हैं तो गैर कानूनी तरीके से उसके धर्म परिवर्तन करने का ये साजिश होती है। तो इससे निपटने के लिए सरकार ने धर्म के गैर कानूनी रूपांतरण रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है 2024। तो उसके संदर्भ में दोनों कथन है, दोनों कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। तो संशोधित कानून जबरन और धोखाधड़ी से अगर धार्मिक रूपांतरण के लिए सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया है। जी साथियों, अगर कोई शादी कर लेता है किसी ये दूसरे धर्म में, अगर उसे साजिश तरीके से, यानी अपने आप से धर्म परिवर्तन कर ले तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे साजिश के तहत अपना धर्म छिपा कर विवाह करना, या उसे धोखाधड़ी से किसी लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की इस तरह के जो साजिश होती है, इसके लिए आजीवन कारावास है। तो कानून अब केवल धर्मांतरण व्यक्ति को उसके करीबी रिश्तेदारों तक ही प्राथमिक सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज कराने की प्रतिबंधित करता है। तो साथियों नहीं, इसके जो है पहले ये था कि परिवार और उसके रिश्तेदार, इसमें क्या होता है कि जो भी इससे संबंधित साक्ष्य पाएंगे सभी पर इसमें FIR दर्ज कराई जाएगी। तो यहाँ पर ये कथन हमारा गलत हो गया, केवल
रिश्तेदारों तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा और बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होना चाहिए ये एक हो जाना चाहिए, केवल एक सत्य है, क्योंकि हमसे सही पूछा तो सही एक है। आगे अगर हम लोग देखें, ये अभी मलेरिया की वैक्सीन बनी है साथियों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है मलेरिया, और जिसे अभी ये अफ्रीका में बहुत ज्यादा फैला हुआ है मलेरिया, तो वहां पर एक्सपोर्ट भी किया है। तो उसी संबंधित है ये वैक्सीन किसके लिए है, तो मलेरिया के लिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित ये वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स। ये वैक्सीन का नाम है मलेरिया वैक्सीन का, R21 मैट्रिक्स, तो ये मलेरिया का है, विकल्प नंबर ए। आगे अगर हम लोग देखें 49 में, तो कौन सा देश नवंबर 2024 में COP29 की मेजबानी करेगा। तो COP29 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 वाला जो होने जा रही है, उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो अजरबैजान करेगा। तो विकल्प नंबर हमारा 49 का जो होने वाला है वो सी हो जाएगा, तो विकल्प नंबर सी यही है हमारा, अजरबैजान में होगा। आगे देखें हम लोग 50 में, वर्ष 2024 के लिए शंघाई सहयोग संगठन, वर्ष 2024 के लिए शंघाई सहयोग संगठन, जिसे हम लोग शॉर्टकट में SCO बोलते हैं, तो इसका साथियों अभी जो है हुआ था इसके एक बैठक, जिसमें मोदी जी नहीं गए, मोदी जी के एक चहेते जयशंकर प्रसाद है वो गए थे इसमें और इसमें भाग लिए थे। तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये साथियों जो हुआ था ये कजाकिस्तान में हुआ था, कजाकिस्तान के अस्ताना में। तो विकल्प नंबर ये हमारा जो उत्तर होना चाहिए ये ए हो जाएगा, 50वां का ए। आगे चले हम लोग देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, 51 में, सतत विकास लक्ष्य, भारत सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य जिसे हम लोग SDG बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 में भारत का स्कोर क्या है। तो साथियों इसमें भारत का स्कोर जो है वो 71 है, सतत विकास लक्ष्य के मामले में, विकल्प नंबर ये डी हो जाएगा हमारा। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो 52 वाले में, कौन सा देश 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो ऐसा कौन सा देश है 2034 में जो शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल की मेजबानी करने वाला है, तो USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। 53 में, तो अस्मिता योजना आप लोग जानते हैं साथियों, भी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी ये, भारत की जो एक कह सकते हैं मतलब जो किताबों से संबंधित है, 22,000 किताब को जो है, इतनी बेहतरीन किताबों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है अस्मिता योजना के तहत, तो भाई बहुत ज्यादा चर्चा में था अस्मिता योजना। और ये शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय, ये शिक्षा मंत्रालय खास करके शिक्षा मंत्रालय इसका एक बहुत बड़ा जो है अग्रहर है इसमें, तो शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम लोग कहते हैं UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट जो है कमीशन, तो शिक्षा मंत्रालय और UGC ने मिलकर ये अस्मिता योजना ये चला रही है, जिसमें 22,000 से अधिक प्रभावशाली किताबों को विकसित करना है। तो दोनों की कथन हमारे सत्य हैं, सी हो जाएगा। 54 में अगर हम लोग देखते हैं तो उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक 2024 के संदर्भ में दो कथन हैं, दोनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देने हैं। तो देखें पहले वाले में जो हमें कह रहे हैं, यह कार्यक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का एक योजना का घटक है। साथियों अभी तो हम लोग 1 ट्रिलियन ही नहीं पहुंच पाए हैं उत्तर प्रदेश में, तो 2 ट्रिलियन की हम लोग बात कहां से कर रहे हैं, तो 1 ट्रिलियन लक्ष्य रखा गया है, 2 ट्रिलियन नहीं, तो ये गलत हो गया हमारा कथन। तो इस विधेयक के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में विशेष निवेश क्षेत्र स्थापित किए जाने, जी, तो दूसरा सही है हमारा, ये 54 का हमारा केवल बी हो जाएगा, ये 54 का बी होगा हमारा। आगे अगर हम लोग देखते हैं 55 में, तो इसमें जो लिखा है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अभ्रक खादान, जो अभ्रक होता है साथियों उसके खादानों में बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया, यानी अब वहां पर
बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। तो ये खदानें किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ये जो अभ्रक की खदानों से संबंधित सवाल है, ये किस राज्य में है? तो यह झारखंड में है। विकल्प नंबर 55 का हमारा डी होगा। तो अगर हम लोग 56 वाला सवाल देखें, तो इसमें कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है? तो रक्षा औद्योगिक गलियारे का मतलब यहाँ साथियों ये हुआ, एक ऐसा स्पेस बनाना जहां से रक्षा से संबंधित उत्पादों को हम भेज सके, जल्दी से निर्यात भी कर सके, जरूरत पड़ने पर किसी भी क्षेत्र में भेज सके। तो ये इसका कहने का मतलब ये है, रक्षा गलियारा। तो यहाँ पर जो हमारा नाम दिया गया है, आगरा, लखनऊ, चित्रकूट, अलीगढ़, तो यहाँ पर सभी हैं। तो 56 का जो हमारा सवाल होना चाहिए उसका उत्तर डी हो जाएगा, सभी हैं। आगे देखें हम लोग 57 में। तो 57 में जो हमसे पूछे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सारस केंद्र, आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पंछी है वो यही है। तो उत्तर प्रदेश सारस क्रेन ग्रीष्मकालीन जनगणना 2024 के संदर्भ में जो हुआ, तो उसमें साथियों कुल उत्तर प्रदेश में जो कुल सारस की आबादी है, तो उसमें 396 लगभग 400 के आसपास पाई गई। जी बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश का जो इटावा है उसमें सारस जो है सबसे अधिक आबादी है वहां पर। तो मतलब ये जो 396 साथियों, इतने की वृद्धि हुई है पिछले साल तुलना में, ये मैंने गलत बताया। और इतने के साथ इटावा, जो इटावा में जो है इतना अकेले में है। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पर हमारे सही हैं, सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये अगर हम लोग देखें, ये 70 हो गया, तो 57, 58 में आईटी सक्षम युवा योजना। तो आईटी सक्षम युवा योजना 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? तो साथियों यार, युवाओं को रोजगार देने की एक हरियाणा सरकार की योजना है कि हम इसको कई चरण में लागू करेंगे, और पहले चरण में लगभग 5,000 रोजगार देने की बात किया था हरियाणा सरकार ने। तो सी हो जाएगा। तो 59 में किस राज्य को पीएम स्वनिधि योजना के तहत, किस राज्य को पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य पुरस्कार दिया गया है? तो किस राज्य को दिया गया है साथियों? तो ये मध्य प्रदेश को दिया गया है। विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा। आगे अगर हम लोग देखते हैं, ये साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है, कल्चर से जोड़कर पूछा है हमें। परियोजना पारी का उद्देश्य, एक परियोजना चलाई गई रही साथियों अभी हाल ही में, परियोजना पारी जिसका नाम है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है साथियों, जो हमारी धरोहर कलाएं हैं, पारंपरिक कला है, तो उसे जो है सार्वजनिक कला प्रतिष्ठान के माध्यम से भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करना है। तो ए हो जाएगा, यही कला से संबंधित। तो जब भी आए परियोजना पारी तो यह जान लीजिए कला से संबंधित है। आगे देखें हम लोग, तो साथियों भी आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी एक योजना चलाई गई थी, तो जो झारखंड सरकार के द्वारा, अभी झारखंड के सीएम जब जेल से छूटकर आए थे अभी हाल ही में, तो उन्होंने फिर दोबारा जब मुख्यमंत्री की शपथ लिया, तो अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस कल्याणकारी पहल की अनावरण किया गया? तो आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छी योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो यही चलाए थे झारखंड में, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। आगे अगर हम लोग इसमें देखेंगे, तो फिर ये जो 62 में, तो इसमें क्या कह रहे हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने प्रवीणा राय को किस संगठन के एमडी और सीए के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों इनको जो प्रवीणा राय को नियुक्त किया गया है यहाँ पर, तो इसमें इनको नियुक्त किया गया है, ये यहाँ पर चार नाम दिए गए हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के मतलब के एमडी और सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो सी हो जाएगा। 63 में हाल ही में किस देश ने पहली बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 20 चैंपियन जीती है? तो ये साथियों ये किसने जीती है? तो जो आपका जो सही उत्तर है, ये बांग्लादेश ने जीती है पहली बार। तो आगे हम लोग देखें 64 में, ये
पैरा ओलंपिक 2024 के खेलों में ये 100 मीटर की प्रतिस्पर्धा भारत का पहला पदक किसने जीता? तो साथियों, ये भारत का पहला पदक ये प्रीति पाल ने जीता है, ये पैरा ओलंपिक 2024 के खेलों में 100 मीटर की प्रतिस्पर्धा में। आगे अगर हम लोग देखें ये 65 में, तो डाक विभाग के छात्रों के बीच ये बहुत ही प्रचलित योजना थी, अभी ये चल रही थी हमारे बीच, तो ये छात्रों के बीच जो है डाक टिकट के संग्रह को बढ़ावा देने के लिए ये था। तो छात्रों के बीच डाक टिकट संग्रह के अनुसंधान को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चली थी? तो साथियों, नाम में इसके डाक नहीं है लेकिन ये डाक से ही संबंधित है, तो इतना याद रखेंगे तो ये चीजें हमें याद रहेगा। तो दीनदयाल स्पर्श योजना, तो विकल्प नंबर ये डी है ये। तो साथियों, हम लोग यहाँ पर आधा लगभग क्वेश्चन देख लिए हैं, तो वीडियो हम लोगों का बहुत बड़ा न हो जाए, इसको लिए हम लोग यहीं पर रोक कर इसको, और बाकी के हमारा जो पार्ट वन में हम इसको रख रहे हैं, और इसके बाद हम लोग पार्ट टू लाएंगे जस्ट इसी के बाद, इसको भी हम अपलोड करेंगे। तो दोनों, क्योंकि दो चरण में ये टेस्ट सीरीज रहती है, तो सही रहेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में, हमको अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसको यहीं रोक रहे हैं, और आप लोग दूसरे चरण के लिए वेट करिएगा। तो हम लोग मिलते हैं दूसरे चरण में, तब के लिए नमस्कार।